फिर जब रेल मंत्री थे नीतीश जी, तो उन्होंने इस्तीफा दिया था, माधवराव सिंधिया ने भी इस्तीफा दिया था, क्या अभी इस्तीफा मांगना चाहिए, ये सवाल उठ रहे हैं। और दूसरा एक इसी में ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी ही जो हरी झंडी दिखाते हैं, रेल मंत्री बहुत कम जगहों पे दिखते हैं। देखिए मुख्य रूप से बात ये अभी घटना घटी है और सभी पूरा देश इससे शोकाकुल है। अब उनकी नैतिकता है नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी जो नैतिकता की बात करती है, शुचिता की बात करती है, तो उसे तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। जो रेल मंत्री ये कहे कि हमारे अब ऐसे हमने आधुनिक तकनीकी अपनाई है जिससे 400 मीटर दूर यदि उसी पटरी में ट्रेन आए तो अपने आप रुक जाती है, और यहां से तीन तीन ट्रेन टकरा गए उसी के प्रदेश में, उड़ीसा से आते हैं हमारे रेल मंत्री जी, उसी प्रदेश में घटना घटी है, तो ये तो निश्चित रूप से उसकी जिम्मेदारी बनती है और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं नहीं करते हैं ये देखने वाली बात है।